थाने में भालू यादव दूध देते हैं तो पुलिस भालू यादव के साथ है तो पुलिस हमें परेशान कर ले, वो बताते हैं कि वो नहीं तुमने गुनियाई से मारी। हमने साहब हम उसमें कुछ जानते ही नहीं है क्या गुनियाई है। आज दो ईटे मूटे पुलिस बुलाया है, थाने में दूध देते हैं और लुभाई से चार जन केस लिखवा देते हैं। आधे गाँव पे तो केस लिखवा दिया हमने, अब जो झूठ लगाया कुन हकीकत जैसा हम जानते होते तो हम भालू यादव को मारते। समझो एक बात, वो पशु क्या लाया यादव हम भी हैं तो वो तो पशु है, एक बच्चा हमारा है, हम अपनी नाट कर लेते का। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज तंत्र। हम खड़े हैं अभी एसएसपी कार्यालय झांसी में और आज नॉर्मल जो मामले आते थे वो सामान्य मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े रेप तमाम प्रकार के आते हैं, लेकिन आज जो मामला आया है वो इतना पेचीदा है कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। और दंग क्यों रह जाएंगे आप एक बार सुन लीजिए। टोड़ी फतेहपुर थाने का मामला है, पास में कोई गांव है जो इसमें लिखा है सेमरी गांव है, इसमें एप्लीकेशन के अनुसार सेमरी गांव है। और उस गांव का विवाद कैसा है कि किसी एक व्यक्ति की भैंस ख़त्म हो गई, उसको किसी कीड़े ने काट लिया या किसी सांप ने काट लिया, और उसका आरोप उस परिवार ने दूसरे शख्स पे लगाया है जिसने शिकायत दर्ज की है, जिसका एप्लीकेशन हमारे हाथ में है। शिकायत क्या दर्ज कराई है कि फलाने व्यक्ति ने हमारी भैंस पर जादू टोना करा के उसको मरवा दिया है, और वो शिकायत पहले टोड़ी फतेहपुर थाने में दर्ज कराई गई। सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आती है कि जो वहाँ के दरोगा हैं या जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो भी इस पर कार्रवाई करने के लिए मान गया कि भाई तुमने कैसे जादू टोना किया। तो ये तो चलो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है, उनका एक अलग उनके नियम कायदे होते हैं कि भाई जादू टोना से ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी थे उस समय थाने में तो वो लोग उन लोगों को तो सोचने का एक बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि आप लोग कैसे इस पर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं कि भाई तुमने जादू टोने से उसका फिर बस का सॉरी भैंस का पोस्टमार्टम भी हुआ। तमाम कहानी है और जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है वो खुद यहाँ एसएसपी कार्यालय आए हैं एसएसपी साहब से शिकायत दर्ज कराने के, हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, हमने ना किसी के भैंस पे कोई जादू टोना किया है ना कुछ, पुलिस बार बार आ रही है परेशान कर रही है, और हम काम धंधे वाले व्यक्ति कभी खेत पर होते हैं तो कभी कहीं दूसरी जगह होते हैं, हमें बार बार थाने बुलाया जा रहा है। प्रार्थी सामने हैं, शिकायत करते हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे पूरा मामला क्या है, जो इसमें आपने हमें उसमें हमें जो जानकारी जो हमने अभी बताई है जानकारी इसमें यही है भैंस का मामला। कौन से गांव का मामला है? सेमरी हिराल। तो ये जिन्होंने आरोप लगाया है आप पे कि आपने जादू टोने से उनकी भैंस खत्म कर दी, आरोप आप पे यही है? हाँ यही आरोप है। कौन है ये? ये भालू यादव है। ये भालू यादव है? हाँ। आप भी यादव है? हम भी यादव है। पारिवारिक विवाद तो नहीं है? नहीं, परिवार कोई विवाद नहीं है साहब, ना इनसे हमारी कोई लड़ाई ना झगड़ा। ये लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो ये दारू पी के आते हैं प्रतिदिन जी, ये लोग चार जने तो गाली वगैरह करते हैं, दो चार दफे करो हमारे बाल बच्चन को भी इनने एक दो दफे मार दिया है। कोई बात नहीं, थाने में भालू यादव दूध देते हैं तो पुलिस भालू यादव के साथ है तो पुलिस हमें परेशान कर ले, वो बताते हैं कि वो नहीं तुमने गुनियाई से मारी। हमने साहब हम उसमें कुछ जानते ही नहीं है क्या गुनियाई है। नहीं तो थाने गए थे, उन्होंने क्या पूछा सबसे पहले थाने में? क्या थाने में गए थे तो उन्होंने जा पूछा कि ऐसा नहीं हो सका, थाने वाले ने कह दे होगा जी ने कि ऐसा नहीं हो सका, हाँ, कि कोई जादू टोना से नहीं कर सका। हाँ, हाँ अकेले वो सिपाही हैं, दो चार सिपाही उनके ऐसे है, हाँ, वो परेशान कर रहे कि भी इतना परेशान कर रहे हैं कि साहब हम घर नहीं रह पा रहे हैं उनके माँ। नहीं तो यहाँ जब आप एसएसपी साहब के यहाँ पास गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप घर जाओ, हम नहीं आएंगे, हम बताएंगे तुमने। नहीं तो ये कोई आपकी आपसी रंजिश थी, क्योंकि इस तरीके से सब ये तो जानवर था, अगर कोई शख्स एक मिनट कोई शख्स अगर ख़त्म हो जाता किसी का वो आरोप लगा देते तो मैटर तो बहुत बड़ा हो जाता फिर। हाँ हो जाता मैटर बड़ा, वो तो मैटर बड़ा आया ही साहब। अब जो झूठ लगा रहा कुन हकीकत जैसा हम जानते होते तो हम भालू यादव को मारते। समझो एक बात, वो पशु क्या लाया यादव हम भी हैं तो वो तो पशु है, एक बच्चा हमारा है, हम अपनी नाट कर लेते का। रखत मार के किसी का छोपा हम जानते होते, हम भालू घुमा देते, मान लो हमारे जैसे रंजस ही थी तो हम उनकी भैंस काम आए थे, पशु का लाए तो हम आए दिन रोज ईटे मूटे पुलिस बुलाया है, थाने में दूध देते हैं और लुभाई से चार जन केस लिखवा देते हैं। आधे गांव पे तो केस लिखवा दिया उनने अपनी अपनी घर वाली से। हाँ, वो
राजीनामा कह के रुपया मांगता है, रुपया दे दो राजीनामा है। हम कहाँ से दे दें रुपया बताओ साहब? कितना रुपये मांग रहे हैं आपसे? हमसे तो कोई जानकारी सामने नहीं, अभी तो नहीं आया। कहने ये जानकारी आई क्या राजीनामा हुए जब कछु हुए? अच्छा हाँ, ये जानकारी नहीं आई कि राजीनामा में कितना रुपये मांग? हाँ हाँ साहब, इनका ये रूल है गांव में 10 जन खोने 76 लगवा के रुपया लिया है, सुजमा में 76 लगा के रुपया लिया। अच्छा हाँ, आप जानकारी कर लें पुलिस वाले कर ले, मान लो जाके और गांव में जानकारी कर लें, तो हमारी गलती है कि भालू हन की गलती है? नहीं तो फिर नहीं, ये आपसी कोई विवाद है उनसे? कोई विवाद ही नहीं है साहब, हम किसी से दे, चार पाँच आदमी है, हम अकेले हैं अपने। हाँ। अकेले जो अभी खड़े हैं ऐसे अकेले घर पर है, हमारा कोई नहीं है, हम कैसे उनसे चार आदमी से? पोस्टमार्टम हो गया है? हाँ, उसका पोस्टमार्टम हो गया है। हाँ। और कीड़ा की बताई है पोस्टमार्टम में? हाँ, कि कीड़ा ने काटा है। पोस्टमार्टम किसने कराया, पुलिस वालों ने? नहीं, वो डॉक्टर आए थे। डॉक्टर आए थे? हाँ, डॉक्टर तो पुलिस के अंडर में हुआ? हाँ हाँ, पुलिस के अंडर में हुआ, पुलिस वाले थे, डॉक्टर थे। उन्होंने आश्वासन दे दिया, मैम बैठी सी हो मैडम, उन्होंने कह दिया कि अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा? हाँ हाँ, अंदर है। हाँ, आपने ब्रजपाल यादव को आपने सुना, इन्होंने अपनी पूरी समस्या जो मैंने बताई थी वो इन्होंने भी, इनकी मतलब घटना जब वही है तो वही इन्होंने बताया। कितना एक सोचनीय विषय ये है कि किसी का जानवर ख़त्म हो जाता है किसी कीड़े के काटने पे, और आरोप जो लगाए जाते हैं जादू टोना को लेके, और शायद कहानी कहें या वास्तविकता किस तरीके से पूरी मोड़ ले लेती है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं अब, हालांकि जो 21वीं सदी है इसमें अंधविश्वास का कितना विरोध होता है, वो फिर भी उन्हीं के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमती नज़र आ रही हैं। आप देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए कि आसपास आप जिस समाज में रह रहे हैं कई लोग इस प्रवृत्ति के होंगे कि आप भी उनके जंगल में फंस सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद।